हे गाइस नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आपका ग्लैम बैटल्स में। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन त्यौहार के लिए है। मतलब कि अगले ही महीने रक्षाबंधन है, आप सभी जानते हो अगस्त में राखी होती है। तो राखी के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो तैयार की है। इस पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि राखी, रक्षा की डोरी, कैसे आप खुद से बहुत प्यार से अपने भाई के लिए तैयार कर सकते हो। हम मार्केट से राखी खरीदते हैं, बहुत महंगी महंगी राखियाँ, खूबसूरत प्यारी प्यारी राखियाँ खरीद के लाते हैं, अपने भाई की कलाई पे बांधते हैं और भाई बहुत प्यार से उसे बंधवाते भी हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? जब उन्हें वो राखी खोलनी पड़ती है, क्योंकि राखी डिस्कलर्ड हो जाती है या टूट जाती है पानी लगने की वजह से, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है भाइयों को भी और बहनों को भी। तो ये ना हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो लेकर आओ जिसमें हर बहन अपने भाई के लिए बहुत ही प्यार से रक्षा की डोरी यानी कि राखी तैयार कर सके और भाई उसे काफ़ी लंबे समय तक अपनी कलाई पर रख सके। बहुत खुशी होगी दोनों को, भाइयों को भी और बहनों को भी। तो ये जो वीडियो है ना, ये पिछले साल की वीडियो है, मैंने अपने दूसरे चैनल में अपलोड की थी जिसका नाम है अपना सहारा खुद बनो। तो मेरी यहाँ की फैमिली जो है ना, ग्लैम फैमिली जो है, वो वहाँ तक नहीं पहुँची है अभी भी। तो मैंने सोचा अगर मेरी ये फैमिली वहाँ तक नहीं पहुँच सकती तो मेरी वो वीडियो तो यहाँ तक पहुँच सकती है ना। इसीलिए मैंने आप सबके लिए उस वीडियो को इस चैनल पे अपलोड करने की सोची, क्योंकि ये है प्यार के बंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन बहुत ही प्यारा और पवित्र त्यौहार है। तो इस पर मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने भाई के लिए बहुत ही प्यार से रक्षा की डोरी, रक्षाबंधन तैयार कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर 5 राखी बनाने के तरीके आपको बताने वाली हूँ। पहली 2 मैं बताऊंगी पर्ल जो होते हैं ना, मोती, उसके साथ आप डोरी कैसे तैयार कर सकते हो, राखी कैसे तैयार कर सकते हो, और बाकी की 3 मैं बताऊंगी कि कैसे आप चॉकलेट्स के साथ, होममेड चॉकलेट हो या बाहर की चॉकलेट हो, उसके साथ आप राखी तैयार कर सकते हैं। छोटे भाई होंगे तो चॉकलेट वाली राखी पसंद करेंगे, बड़े भैया होंगे तो वैसी राखी पसंद करेंगे जो देखने में अच्छी भी लगे और काफी लंबे समय तक टिक भी पाए और उन्हें हटानी ना पड़े अपनी कलाई से, है ना। तो पहले की 2 राखी जो होंगी वो होगी बड़े भाइयों के लिए, डोरी वाली जो राखी होगी, जो पर्ल वाली राखी होगी, और बाकी की जो 3 राखियां होंगी ना, लास्ट वाली 3 राखियां, वो अपने छोटे भाई के लिए आप बना सकते हो जिन्हें चॉकलेट्स वगैरह खाना बहुत ज्यादा पसंद है, ताकि रक्षाबंधन के बाद भी वो राखी को खोल करके इधर उधर ना रखे बल्कि उसे यूज में ले ले, खाने में ले ले। कम से कम हमें भी अच्छा लगेगा और भाइयों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो बहुत खुश होंगे कि जल्दी जल्दी बहन राखी बांधे, राखी का दिन जैसे ही पार हो उसे हम खोलें और खा लें, ठीक है। छोटे भाइयों के लिए तो यही होता है ना। आपके भाइयों को बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब आप प्यार से खुद से रक्षा की डोरी बनाओगे, राखी बनाओगे और अपने भाई की कलाई में बांधोगे। सच कहती हूँ, एक बार ज़रूर बना करके आप देखिएगा, बांध करके आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपके भाई को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। क्योंकि मैं भी खुद से अपने भैया के लिए राखी बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है उन्हें जब मैं अपने भाई को वो कलाई में बांधती हूँ ना, भैया बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो मैं बहुत लंबे समय तक नहीं खोलने वाला हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है और जब तक हो सकेगी मैं इसे अपने कलाई पे रखूंगा। तो बहुत खुशी होती है अंदर से कि मैंने इतने प्यार से बनाई है वो राखी, वो रक्षा की डोरी, और मेरे भाई को, मेरे भैया को वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, पसंद आई है। मार्केट में हो सकता है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, प्यारी, बड़ी, अच्छी राखी आपको मिल जाए, पर जो राखी आप खुद से अपने हाथों से बना करके अपने भैया की कलाई में बांधोगे ना, उसका जो सुकून आपको मिलेगा ना, एक अलग सा ही सुकून आपके दिल को मिलेगा जब आप अपने भाई की कलाई में वो राखी बांधोगे जो आपने खुद से बनाई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे रिक्वेस्ट है कि इस साल आप खुद से अपने हाथों से रक्षा की डोरी तैयार करें। एक एक धागे में प्यार भरा होगा, वो डोरी ज़रूर तैयार करें, राखी तैयार करें और अपने भैया और छोटे भाई की कलाई में बांधें और देखेगा उनके चेहरे पे जो चमक आएगी ना, खुशी की चमक, और आपके दिल को जो सुकून मिलेगा ना, बहुत प्राइसलेस होगा, मतलब अनमोल होगा। आपको कभी नहीं दिखा होगा और कभी ऐसा फील नहीं हुआ होगा जैसा आपको अपने हाथों से बनाई हुई रक्षा की डोरी और राखी जो तैयार की होगी वो अपने भाई के हाथों में कलाई में बांधोगे। जो खुशी आपको मिलेगी ना, वो आपको कभी नहीं मिली होगी, पैसा देकर भी नहीं मिली होगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो ना, जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी बहनों के साथ, ताकि वो भी अपने भैया और छोटे भाई के लिए इसी तरह रक्षा की डोरी राखी खुद से तैयार करें बहुत ही प्यार के साथ और उनकी कलाई में बांध सके। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी ग्लैम पेटल्स का हिस्सा बनिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बराबर पहुँचती रहे। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय।